नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भारत नेपाल बॉर्डर्स को लेकर। तो क्या है पूरी खबर, पूरी खबर जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है दोस्तों बनबसा में। जी हाँ दोस्तों, बनबसा में जो भारत की स्वास्थ्य टीम है वो पहुंची है और उन्होंने बताया है कि जो कुछ नेपाली लोग हैं वो भारतीय आईडी का यूज़ करके नेपाल से भारत आ रहे हैं। और यही दिक्कत है दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि नेपाली लोगों के पास भारतीय आधार कार्ड आया कैसे। तो नेपाली लोगों के पास भारतीय आधार कार्ड आने के पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि खुद वो कॉपी करें, हैक सिस्टम वैसे, लेकिन हैकिंग वगैरह तो इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो कर सकें, जो सामान्य लोग हैं वो ऐसा तो नहीं कर सकते। यानी कि दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भारतीय प्रशासन द्वारा भी कुछ यहाँ पर ये आईडी वगैरह दी हूँ, तो ऐसा हो सकता है, या फिर उनके रिश्तेदारों द्वारा दी हूँ, ये भी हो सकता है। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं वो बंद होते हुए भी जो नेपाली लोग हैं वो अपना काम साधने के लिए और भारतीय आईडी का यूज़ करके भारत में आ रहे हैं। हो सकता है कुछ भारतीय लोग भी नेपाली आईडी का यूज़ करके जा रहे हों, लेकिन ये गलत है दोस्तों। और इसी के चलते हुए यहाँ पे जब स्वास्थ्य टीम वहाँ पे पहुँची तो 23 लोग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर आपको यहां तक कह सकता हूं कि आगे भी जो बॉर्डर बंद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत ला सकती है। और इसके बड़ी बात यह है कि मजिस्ट्रेट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है यहां के। उन्होंने कहा है कि इस तरह की ये हरकतें हो रही हैं तो यहां पे थाना चौकी को बढ़ाया जाए। और इसी के चलते यहां पे दूसरी बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि जो यहां पे भारत नेपाल बॉर्डर को खुलवाने के लिए आंदोलन चल रहे थे वो बहुत तेजी पकड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि व्यापारियों को आना चाहिए, आम लोग अकेले नहीं, जबकि व्यापारी वर्ग आएगा तो और ज्यादा फायदा होगा। तो व्यापारी वर्ग भी यहां पे आ चुका है बॉर्डर खुलवाने के लिए। और ऐसा माना जा रहा है दोस्तों नेपाल के कुछ एक विपक्षी पार्टियां भी आ चुकी हैं। और पहले भी हमने देखा था दोस्तों कि जो विपक्षी पार्टियां हैं आई थी और उसका नतीजा ये रहा था कि पहले वाले आंदोलन से कुछ एक बॉर्डर पॉइंट खुले थे जिसमें ये कहा गया था नेपाल की तरफ से कि कोई बंदा है वो पैदल बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। देन फाइनली दोस्तों कि अभी ये आंदोलन जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम यही कह सकते हैं दोस्तों कि इस आंदोलन का भी पीछे वाले आंदोलन की तरह कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जरूर निकलेगा। और अगर पॉजिटिव इफेक्ट निकलता है दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि बॉर्डर खुलने में बहुत सारी यहाँ पर पॉजिटिविटी आ जाएंगी। और अगर बॉर्डर खुलते हैं दोस्तों तो सभी को पता है कि कितना बढ़िया काम हो जाएगा। जब पिछले यहाँ पे 8 महीनों से यानी 25 मार्च से बंद हैं बॉर्डर्स और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये आंदोलन का पॉजिटिव इफेक्ट निकले और सरकार समझे इस बात को कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं और उसको भी पॉजिटिव लें जो लोग नेपाली आईडी को लेकर आ रहे हैं। लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये निकल चुका है दोस्तों कि लोग यहाँ पे 23 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। तो यही थी न्यूज़ दोस्तों। तो 15 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा, 15 तारीख से पहले आ जाएगा वैसे तो अपडेट। तो जैसे ही अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट रहा है, शायद अब की बार खुल जाने चाहिए बॉर्डर। तो ये था पूरी खबर दोस्तों। अगर आपको खबर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।